तो हेलो मेरे प्यारे सभी भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे। तो आगे कमाल के फोटो एडिटिंग को लेके, जो कि अलग ही लेवल का होने वाला है इस बार का सैड फोटो एडिटिंग इसको बोला जाएगा, क्योंकि यार सैड लुक है एंड पोज देख सकते हैं खतरनाक है। और ये मैंने स्मोक कैसे बनाया अपने बॉडी को, ये चीज़ आप लोगों को मैं करना सिखाऊंगा बिल्कुल इजीली। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर सारा कुछ बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, अच्छे तरीके से समझा के बिल्कुल धीरे धीरे बताया हूं। आप लोग क्या करना है वीडियो को, यार मेरे लिए हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। यार एक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ये वाला फोटो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो एक बार ओरिजिनल पिक देख लीजिए, ये रहा ओरिजिनल पिक और ये रहा स्मूथ वाला और ये रहा हमारा एडिट वाला फोटो, ठीक है। तो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग यार वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे भाई, तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरा वीडियो देख सकें, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक जो कि आप लोगों के आंखों के सामने है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से सैड लुक में पोज दे दीजिएगा, ठीक है, इतना करना है। एंड यहाँ पे जो हमारा फेस जो है वाइट है, ठीक है, एंड यहाँ पे साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मूथ कर लीजिएगा बस, ठीक है। और स्मूथ वाला मतलब वीडियो आप लोग को चाहिए तो यार मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं, तो जाके वीडियो देख सकते हैं स्मूथ करना, नहीं तो आप लोग जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मूथ कर लीजिएगा ओरिजिनल पिक को, ठीक है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके। स्मूथ करने के बाद क्या करना है, ये रहा गाइस स्मूथ होने के बाद इसे शेयर करेंगे, देख लीजिए स्मूथ हो चुका है, इसे शेयर कर देंगे सबसे पहले लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हमें ब्लैक कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले ब्लैक कर देते हैं। तो गाइस यार हमारा फोटो जो है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। अब इसके लिए एक प्रेसेट बना के रखा हूँ, जो कि प्रेसेट मिलने और स्टॉक मिलने के बाद आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यार इंस्टाग्राम पर लाइक वगैरह नहीं मतलब खींच पाएंगे और समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और हार्ड HD नहीं कर पाएंगे मेरी तरह। तो वीडियो को यार थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, वीडियो को देखा कीजिए थोड़ा सा, और हार्ड एडिटिंग कर पाएंगे तभी, ठीक है। वीडियो छोटा है, देखते रहिए बस एंड तक। अब देखिए ये रहा, इसके लिए एक प्रेसेट बना के रखा हूँ, आप लोगों को दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद, तभी अच्छे से वर्क करेगा। अब देखिए 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग करना है, नीचे वाला जो आइकन है उसे भर देना है और राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, आना ओरिजिनल पिक के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। तो फाइनली देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के आंखों के सामने है एक ही क्लिक में, जो कि पूरा ब्लैक बैकग्राउंड कर चुका है, इतना हार्ड मतलब बहुत ही तगड़ा लग रहा है। इसी टाइप से बिल्कुल आराम से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और मतलब सारे फोटो का लाइट जो है एक जैसा नहीं होता है, तो आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग लाइट को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कम ज़्यादा लगे तो, ठीक है, मेरा तो ठीक है। तो मैं इतना करके फाइनली इसको क्या करूँगा, सेव टू डिवाइस कर दूँगा, गैलरी के अंदर ये सेव हो जाएगा। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और कमेंट करके बताइए ये वाला फोटो आप लोगों को कैसा लगा, जो कि यार यूट्यूब पर नहीं है अभी तक। तो हमारा जो फोटो है ना गाइस वो आ चुका है गैलरी के अंदर, ठीक है, सेव कर दिए हैं। अब इसको ले चलेंगे कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर ले चलते हैं। तो पिक्स आर्ट एप्लीकेशन किधर है भाई, ये रहा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे भाई लोग बिल्कुल आराम से बताऊँगा आप लोगों को, और ऑनलाइन सारा कुछ लगाया हूँ तो बिल्कुल आराम से देखिए और स्टेप को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यार फोटो को रिसाइज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5000 लिख देंगे, जिससे फोटो का लास्ट पिक्सल से होगा 28 और 29, ठीक है। तो 28 और 29 कर देंगे यहाँ पे, जिससे हमारा फोटो अब फटेगा नहीं, क्योंकि रिसाइज हो चुका है, ठीक है। इसके जितना औकात था उतना पे इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, बात समझ रहे होंगे आई होप कि। देख सकते हैं इतना हो गया। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर जो मैंने अपने बॉडी को उड़ाया था धुएँ की तरह, स्मोक की तरह, तो उसको कैसे उड़ाना है, उससे पहले क्या करेंगे, रिटच वाला ऑप्शन है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक करना है और आराम से नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, हेयर कलर का ऑप्शन आ जाएगा। तो हेयर कलर के अंदर आ जाइएगा और यहाँ पे जो है रेड कलर जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखिए बैक का एरो है, ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे की तरफ देखिए मैनुअल का ऑप्शन है, उस पर आ जाइएगा और अपना लिप्स जो है जूम कर लीजिएगा, और नीचे वाला लिप्स जो है ना गाइस उसको आराम से जो है रेड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करेंगे, सिचुएशन फुल कर देंगे, अमाउंट अपने फोटो के अकॉर्डिंग रखिए, कितना आप लोगों को चाहिए, तो मुझे लगभग 30 के आसपास चाहिए, तो मैं उतना कर देता हूँ। फिर आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए स्टिकर वाला ऑप्शन है, ठीक है, उस पर टैप कीजिएगा, एक बार दिखा दूँ आप लोगों को नीचे की तरफ, देखिए स्टिकर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा वाटर ड्रॉप, ठीक है। हम सेट लुक में हैं तो यार आंसू तो गिरना चाहिए, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं,
अब देखिएगा इस काफ़ी ज़्यादा जो PNG शो हो गया, यह रहा PNG हमारा, ठीक है, जिसे हमें हमें लगाना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, छोटा करके ले जाएंगे और आँखों के पास जो है इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, इसका डुप्लीकेट पार्ट कर देना है। कैसे करना है, उस पर टच करके ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आप लोगों को शोर हो रहा होगा तो उससे क्लिक कीजिएगा तो इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस आँखों में लगाएंगे, ठीक है, इसी टाइप से। और इसको क्या करेंगे, फिर से डुप्लीकेट पार्ट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक करके और इसको एक बूंद बनाएंगे, ठीक है, तो इधर से इरेज और इधर से इरेज। अब इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा करके कई डुप्लीकेट पार्ट करेंगे, एक और कर देता हूँ और एक और कर देता हूँ, ठीक है, एक नीचे की तरफ यहाँ पे लगा देता हूँ और गाइस एक और कर देता हूँ जो इसके साथ भी एक गिरना चाहिए। एंड क्या करेंगे, इतना होने के बाद इसे राइट आइकन पे क्लिक करके फाइनली सेव कर देंगे। अब इतना होने के बाद गाइस फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे हेयर्ट, HEART, ठीक है, मीनिंग सही रहना चाहिए, आप लोगों को PNG अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे नेट हमारा ओपन रहना चाहिए तभी वर्क करेगा, ठीक है। देख लीजिए काफ़ी सारा PNG आप लोगों को मिलेगा, तो नीचे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे और यहाँ पे जो एक हेयर्ट मिलेगा, इधर गया भाई, मिल जा, आप लोगों को वही लगाना है जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये रहा, ठीक है, ये जला मतलब आधा इसका उड़ा हुआ है, इसी को लगाना है। इसको क्या करेंगे, PNG की तरफ स्लाइड कीजिए और देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है, आप लोगों को जिधर उड़ाना होगा बॉडी उधर की तरफ ये भी उड़ना चाहिए, ठीक है, तो मुझे इधर उड़ाना है तो मैं इधर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ, ठीक है, और इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस कम कर दूंगा और यहाँ पर साइज़ बड़ा कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ इरेज कर देना है हल्का सा। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट आइकन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बॉडी को उड़ाना, ठीक है, तो टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे कोने में देखिए एक ऑप्शन है, ठीक है, इस ट्रिक के लिए ये लाइक चैनल सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूंढता हूँ एक एक चीज़ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए साइज अपने हिसाब से रखिएगा, नीचे की तरफ साइज़ का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, मतलब बॉडी से हल्का सा बस बाहर निकलना चाहिए ये रेड वाला चीज़, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा निकलना चाहिए और इसको इधर की तरफ कर देंगे एंड इसको अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा शर्ट है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब उड़ाना है तो मैं उतना कर देता हूँ, कुछ इतना पे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, इसको अब इतना पे होने के बाद, ये रेड कलर होने के बाद ऊपर की तरफ देखिएगा, ठीक है, वो मतलब नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उड़ गया। अब ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ देखिए, अब ये जो नीचे की तरफ स्ट्रेच लिखा हुआ है देख लीजिए, ठीक है, इसको क्या करना है, फुल कर देना है, फुल करने के बाद 100% कर देना है, ठीक है, देखिएगा ये वाला स्ट्रेक जो है पहले वाले का फुल रखना है, ठीक है। फिर आएंगे सेकंड वाले में साइज़ के अंदर, तो साइज़ को क्या करना है, बिल्कुल छोटा रखना है, बिल्कुल माइनस, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है ना गाइस, इसको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, कुछ इतना उड़ रहा बॉडी, ठीक है, इतना चाहिए, कुछ ज़्यादा हो गया, नीचे की तरफ करना है, इतना पे कर देना है, ठीक है, 162% में रखता हूँ, ठीक है, इतना ही रखिएगा आप लोग और राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। इतना देख लीजिए कितना मतलब लाजवाब लग रहा है उड़ते हुए। अब इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आना है और एक और चीज़ बताऊँगा आप लोग को फुल HD करने का तरीका, तो वीडियो में बने रही है। रेड लाइट सर्च कीजिएगा, रेड लाइट RED और LIGHT, ठीक है, रेड लाइट मीनिंग सही रहना चाहिए तो PNG आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। अब ऊपर की तरफ देखिए, ये सेकंड नंबर में जो रेड लाइट दिख रहा है आप लोगों ने गाइस, सॉरी, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड के अंदर आके स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद इधर की तरफ नीचे की तरफ लगा देना है, ठीक है, थोड़ा सा इसे लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर दिए और इधर की तरफ लगा देंगे। इसका ऑपसिटी जो है थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, इसका डुप्लीकेट पार्ट कर देना है, ठीक है, और इसका एडजस्ट में आ जाइएगा और इसका ह्यू जो है चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर डाल देता हूँ तो बेस्ट लगेगा, ऊपर की तरफ इधर की तरफ बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। इतना होने के बाद राइट आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फोटो हमारा, देख सकते हैं कितना बेस्ट लग रहा है। अब चल देंगे इसको स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर लेके। उससे पहले यार अभी तक एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार कर दीजिए, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ इतना सब बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रा टूल के अंदर आके 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर देना है। अब क्या करना है गाइस, हमारा फोटो जो है गैलरी के अंदर चला जाएगा तो थोड़ा सा टोन देना है, ठीक है, फोटो के अंदर थोड़ा सा टोन देना है, कैसे देना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये हमारा फोटो आ चुका है गैलरी के अंदर, सेव होने के बाद ही कट कीजिएगा, मैंने पहले ही कर दिया तो आइए मतलब आ गया, इतना ही काफ़ी है।
नहीं तो फिर से वर्क करना पड़ता है, बट पिक्सआर्ट में करता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये रहा स्नैपसीड एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर आएंगे और क्या करेंगे, देखिएगा टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर आके क्या करेंगे, सबसे पहले फेस स्टॉप लाइज जो है ना गाइस, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। स्किन स्मूथिंग जो है ना गाइस, इसको लगभग 10% रख देंगे, ठीक है। और आई क्लियरिटी, तो आँख तो हमारा खुला नहीं है तो कि आई क्लियरिटी करें, ठीक है, तो उसमें माइनस रखेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्टेड टूल के अंदर, और मुझे जो कलर गाढ़ा करना है ना क्लॉथ का, तो उसको क्या करूँगा, जूम करूँगा गाइस, और क्या करूँगा, ब्लैक माइनस करूँगा, कॉन्ट्रेस्ट थोड़ा बढ़ा दूँगा, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस, यहाँ पे ये जो उड़ रहा है ना, इसके बीचों में लाइएगा, ठीक है, और इतना करके और सबसे नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, स्ट्रक्चर जो है ना गाइस, इसको माइनस कर दीजिएगा, जिससे क्लियरिटी से ये दिखाई देगा हमारा जो उड़ रहा है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर की तरफ देखिए, कर्वस का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट में गोला सा दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सबसे लास्ट में जाएगा, लुमियंस का ऑप्शन है। सबसे ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हल्का सा बिल्कुल ऊपर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मत ऊपर नीचे कीजिएगा, हल्का सा, और नीचे की तरफ लाइन को मिला दीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद ब्लू वाले कलर के अंदर आएंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे करेंगे, और सॉरी ऊपर की तरफ हल्का सा नीचे करेंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ हल्का सा ऊपर कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे येलो टोन जो है दिखाई दे हमारे फेस के ऊपर, येलो टोन जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है यार, मेरा फेवरेट है। एंड आएंगे ग्रीन वाले कलर के अंदर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तभी येलो कलर का लाइट एडजस्ट होगा, बेस्ट लगेगा फेस। एंड इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ हल्का सा और ढूंढ रहा है। इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले कलर के अंदर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की तरफ थोड़ा डाउन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं हमारा फेस किस टाइप से है और किस टाइप से कलर टोन मैंने दिया, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग कलर टोन दीजिएगा बिल्कुल आराम से। तो आई होप कि आप लोगों को सारा स्टेप जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके, आप मेरा वीडियो देख सकें, इतना कमाल कमाल का हर रोज़ मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइज यार फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।